मैं डॉक्टर उज्जवल आलोक बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हिंदी मुक्स परियोजना के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य के लिए हम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हम भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में जो 90 के दशक में जो परिवर्तन आए हैं उस पर बातचीत करेंगे। इस दौर में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श समेत अनेक प्रकार के विमर्शों ने कथा साहित्य में कहें कि सशक्त रूप जो है वह धारण कर लिया है। स्त्री, दलित, आदिवासी, अन्य प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन है उसने कथा साहित्य को भी प्रभावित किया है। जो स्वाधीन भारत है उसकी जनतांत्रिक व्यवस्था ने सदियों से उपेक्षित इन समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत बनाया। कथा साहित्य में दलित और स्त्री आप कथाओं के माध्यम से विमर्शों का प्रवेश हुआ। उपेक्षित वर्ग से आए रचनाकारों ने अपनी पीड़ा, अपना शोषण, जो उनके साथ शोषण हुआ उसको कथ्य बनाया। इन्होंने कथा साहित्य के माध्यम से अपने आक्रोश को अभिव्यक्त किया। दलित रचनाकारों ने जो जाति व्यवस्था है उसके दंश का मार्मिक वर्णन किया है। दलित विमर्श अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे के आधार पर कथा साहित्य में अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश कर्दम, सुशीला टागोरे, सूरज पाल सिंह चौहान, शिवराज सिंह बेचैन, डॉक्टर धर्मवीर, ऐसे तमाम लेखकों ने दलित विमर्श के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया है। 90 के दशक के बाद स्त्री विमर्श को भी एक नई धार मिली। कथा साहित्य में स्त्री रचनाकारों की संख्या बढ़ी और उनमें अपनी बात को कहने का साहस भी दिखाई दिया और उन्होंने अपनी बात को रखा। वे घरेलू जीवन के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन, खासकर अपने यौन संबंधों के बारे में भी विस्तार से लिख रही हैं। स्त्री विमर्श से जुड़ी रचनाकारों का मानना है कि पुरुषवादी समाज अब तक उनकी यौन इच्छाओं को अपने हिसाब से नियंत्रित करते आया है। इस कारण इन रचनाकारों ने यौन स्वतंत्रता को अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया है। इसके अलावा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबरी की मांग भी इनके कथा साहित्य में प्रमुखता से उभरी है। पिछले दशकों में आदिवासी विमर्श की गूंज भी हिंदी साहित्य में सुनाई देने लगी है। आदिवासी विमर्श के केंद्र में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों तरह के लेखक शामिल हैं। आदिवासी विमर्श का जो विषय है या कहें कि विषय वस्तु है वह दलित विमर्श से भिन्न है। दलित समाज हमेशा समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर रहा है। मुख्य धारा के समाज के साथ दलित समाज का अंतर्विरोध प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है, जबकि इसके विपरीत आदिवासी समाज का भूमंडलीकरण और आधुनिकीकरण से पहले तक मुख्य धारा के समाज से बहुत जुड़ाव नहीं था। बाहरी लोग आदिवासी समाज के लिए दीकू हैं। दलित समाज बराबरी और सम्मान की मांग करता है, उसके साथ खड़ा रहता है, तो वहीं आदिवासी समाज मुख्य धारा के समाज को आक्रमणकारी मानता है, जिन्हें उन्हें उनके जंगल, जल और जमीन से विस्थापित करने का काम किया है। रणेंद्र, संजीव, हरिराम मीणा ऐसे तमाम रचनाकारों ने आदिवासी के इस विस्थापन को कथा साहित्य में चित्रित किया है। आदिवासी विमर्श में आदिवासी संस्कृति की रक्षा भी प्रमुख प्रश्न के रूप में सामने है। आदिवासी विमर्शकार मानते हैं कि ये जो भूमंडलीकरण का दौर है उसमें आदिवासियों की परंपरागत जो संस्कृति है वह खतरे में है।
भूमंडलीकरण के साथ साथ हिंदी कथा साहित्य में उत्तर आधुनिकता का भी प्रवेश हुआ है। और इस उत्तर आधुनिकता में परिधि पर यानी हाशिए पर खड़े लोगों की चिंता जो है वह प्रमुख है। उत्तर आधुनिकता किसी एक समस्या को प्राथमिकता नहीं देती, बल्कि वह बहुलतावाद पर जोर देती है। इस कारण सबाल्टर्न, जिसको हम निम्न वर्ग कहते हैं, निम्न वर्गीय चिंताओं को भी उत्तर आधुनिकता के केंद्र में देखा जाता है, उसे जोड़कर देखा जाता है। उत्तर आधुनिकता समस्याओं के निराकरण से अधिक उनके वर्णन और उद्घाटन पर बल देती है। यही कारण है कि हिंदी कथा साहित्य में जो आज का दौर है, तरह तरह के विमर्शों का प्रवेश हो रहा है। हर वर्ग की समस्या का अंकन हिंदी कथा साहित्य में हो रहा है। आप गौर करेंगे, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, रमेश चंद्र शाह, मनोहर श्याम जोशी, राजकमल चौधरी, ज्ञान रंजन जैसे रचनाकार के यहाँ उत्तर आधुनिकता का प्रभाव जो है वह परिलक्षित होता है। भाव एवं शिल्प के स्तर पर इन कथाकारों ने हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया है। विनोद कुमार शुक्ल ने नौकर की कमीज, राजकमल चौधरी ने मरी हुई मछली और मनोहर श्याम जोशी ने हमजाद, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी के माध्यम से उत्तर आधुनिक कथा शिल्प को विकसित किया है। नौकर की कमीज व्यवस्था की विद्रूपता को अभिव्यक्त करता है, तो हमजाद और मछली मरे हुए में समलैंगिकता जैसे विषय को उठाया गया है। सन 1980 के बाद कथा साहित्य के विशेषता को उद्घाटित करते हुए रामचंद तिवारी ने लिखा है कि इस दौर में स्थितियों के वस्तुपरक विश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी है। रचना को वैचारिक आधार से समृद्ध किया गया है। कला को भी सभी प्रकार के मैनरिज्म से बचाकर सहेज कर बनाने की चेष्टा की गई है और जीवन के व्यापक संदर्भों से सीधे साक्षात्कार को महत्व दिया गया है। इसी दौर में प्रवास में जाने के क्रम में जो रचना हुई है वह प्रवासी साहित्य है। आदिकाल से यहाँ के प्रवास में जाते रहे हैं, औपनिवेशिक काल में लेकिन बड़े पैमाने पर गिरमिटिया मजदूर बना करके लोगों को प्रवास में ले जाया गया। बाद में ब्रेन ड्रेन के अंतर्गत भी भारतीय प्रवास में गए हैं। प्रवास में गए भारतीयों ने अपनी पीड़ा, जड़ से छूटने का जो दर्द है और अपने अपनी जो संस्कृति है, अपनी भाषा है, उसके प्रति जो मोह है उनका, उसे अपनी लेखनी से शब्द प्रदान किया है। 9 जनवरी 2003 को पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर प्रवासियों ने अपने अनुभव को शब्दों में ढाल कर प्रस्तुत करना शुरू किया। अभिमन्यु अनंत ने लाल पसीना आदि उपन्यासों में गिरमिटिया की पीड़ा को बड़ी मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त किया। रामदेव धुरंधर, सुषम बेदी, कमला प्रसाद मिश्र, उषा राजे सक्सेना, तेजेंद्र शर्मा, ये जो लेखक हैं, इन लेखकों ने भी खोए हुए गृह देश की तलाश की, या कहें कि जड़ से कटाव, नॉस्टेलजिया, भेदभाव, खुद को बचाए रखना, संस्कृति का जो बदलाव है और अस्मिता आदि मुद्दों को हमारे सामने अपने साहित्य के माध्यम से साझा किया और आज भी कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य है, उसका जो फलक है वह काफी विस्तृत है, काफी फैला हुआ है। स्वतंत्रता से उत्पन्न समस्याओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, सपनों, मोह भंग ने कथ्य को और शिल्प को प्रभावित किया है। जीवन की जटिलताएं रचनाओं के समकक्ष या रचनाकारों के समकक्ष चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। दिनों दिन जटिल होते जा रहे जीवन का कथा साहित्य में अंकन एक ध्रुव कार्य था जिसे किया गया है। जटिल जीवन की संवेदना की प्रस्तुति
जो है उसे करने में आजादी के बाद के रचनाकार सफल हुए हैं। नई कहानी के दौर में अनुभव की प्रामाणिकता पर बल दिया गया, जबकि अब देखेंगे कि बाद के कथा आंदोलनों में जीवन के मूल्यों को व्यापक संदर्भों में जोड़ने की कोशिश की गई है। वहीं सन 1980 के बाद कथा साहित्य में स्थितियों के वस्तुपरक विश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी है। नई कहानी के दौर में नगरीय जीवन की पीड़ा, संतरास और कुंठा को जगह मिली। वहीं दूसरी ओर जो ग्राम कथा है उसके माध्यम से ग्रामीण समाज के यथार्थ को सामने लाया गया है। बाद के दौर में जब उत्तराधिकता का दौर आया, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श के साथ साथ अन्य विमर्शों ने समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं उन वर्गों को साहित्य के केंद्र में लाया या केंद्रीय भूमिका प्रदान की। इस तरह विमर्शों ने कथा साहित्य को वैचारिक रूप से भी समृद्ध किया है। कथा साहित्य में अब किसी एक प्रकार की समस्या का अंकन नहीं होता। रचनाकार की दृष्टि अब अधिक सूक्ष्म हो गई है। औद्योगिक सभ्यताओं, पूंजीवादी संस्कृति, यंत्रीकरण तथा सूचना क्रांति के दौर में रचनाकार का दायित्व तो अब और बढ़ गया है। अब रचनाकार सिर्फ खास विचारधारा के प्रति झुकाव या अनुभव की प्रामाणिकता के सहारे रचना कर्म में लिप्त नहीं है। बदलते जीवन मूल्यों के बीच जो समकालीन रचनाकार है अब मनुष्य के जीवन की गति को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।